स्टूडेंट्स वेलकम बैक इन इडी ट्यूटोरियल आई एम मधुमिता देवधारा आवर टूडेज टॉपिक इज हाउ टू ड्रॉ डबल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट चेन टाइप कैसे हम डबल कवर डबल जो रिवेटेड डबल कवर जो बट जॉइंट है चेन टाइप के कैसे ड्रॉ करते हैं ये आज हम सीखेंगे इसके लिए देखिए यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन लिख रखा है क्वेश्चन में क्या दिया है ड्रॉ द टॉप व्यू एंड सेक्शनल व्यू ऑफल डबल बट जॉइ चाइप वेन द डायमी टू एटीन मिलीमीटर रिवेट का ब्यास एटीन मिलीमीटर mm होने पर डबल रिवेटेड डबल कवर बट जोड़ चेन टाइप का टॉप व्यू तथा सेक्शनल व्यू बनाइए ये फिफ्टीन मार्क्स के है और ये जो क्वेश्चन है मैं चैप्टर स्टार्ट करने के पहले आपको हमेशा ये बता रही थी कि इस वाले चैप्टर से हमेशा ही फिफ्टीन मार्क्स के क्वेश्चन आता ही है ये देखिए आप ये इंजीनियर ड्रॉइंग टू टू थाउजेंड नाइनटीन की क्वेश्चन पेपर मैं दिखा रही हूँ आपको यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन में आप देखिए रिवेट का व्यास एटीन मिलीमीटर mm होने पर डबल रिवेटेड डबल कवर बट जोर सेम टाइप का टॉप व्यू तथा सेक्शनल व्यू बनाइए तो फिर आप देख रहे हैं कि फिफ्टीन मार्क्स के देखिए फिफ्टीन मार्क्स के एक क्वेश्चन इसमें से आया ठीक है इस चैप्टर्स के जितने ड्राइंग हैं, जितने ड्राइंग मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में अभी तक की मैंने सिखा दी वो सारी ड्राइंग आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि इस चैप्टर से ऑब्वियसली फिफ्टीन मार्क्स के एक क्वेश्चन जरूर आता ही है ठीक है देखिए इसे ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है एट फर्स्ट हम क्या करेंगे हमें पता है कि 18 मिलीमीटर mm अगर डाया है तो उसका जो थिकनेस है थिकनेस आपको पता है उसका थिकनेस कितना हो जाता है प्लेट का जो थिकनेस है वो हो जाता है हमारा तो मिलीमीटर है तो फिर हम एक और और एक बात मैं अभी बता रही हूं कि डबल रिवेटेड डबल कवर डबल कवर का मतलब क्या है अब तक जो हम कर रहे थे वो सिंगल कवर कर रहे थे ठीक है अब जो है वो डबल कवर है ये देखिए अब तक हमने इतने दिन तक जो ड्राइंग कर रहे थे ये देखिए ये दो ड्रॉइंग कर रहे थे हम दो प्लेट में अब जो है ये डबल कवर इन सेंस यहाँ पे देखिए एक कवर है यहाँ पे एक कवर है प्लेट ये एक प्लेट है ये एक प्लेट है इन दो प्लेट को ज्वाइंट करने के लिए मतलब ऊपर भी देखिए एक प्लेट दिया है नीचे भी देखिए एक प्लेट दिया है यहाँ पे फिर कितना प्लेट है वन टू थ्री फोर चार प्लेट है यानी कि ये डबल जोड़ के जो है डबल बट ज्वाइंट मतलब ऊपर भी दिया है और नीचे भी एक प्लेट है और बीच में भी दो दो प्लेट को ज्वाइन कर रखा है ये देखिए ये इसका फ्रंट व्यू है और ये टॉप व्यू है अब चलिए मैं दिखाती हूँ कैसे ड्राइंग करते हैं। सेम डायमेंशन भी आप एक बार नजर कर लीजिए यहां से यहाँ तक जैसे आ, कवर की जो एंड लाइन है वहां से रिवेट का जो है वो वन पॉइंट फाइव इंटू डी एक रिवेट से दूसरे रिवेट के जो डिस्टेंस है चेन टाइप के लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी चेन टाइप के लिए ऑब्वियसली ये डिस्टेंस हमेशा ही टू डी प्लस सिक्स ही होता है ठीक है देखिए यहाँ पे भी टू डी प्लस सिक्स है एक रिवेट से दूसरे रिवेट की यानी कि एक प्लेट से दूसरे प्लेट की जो बीच का पॉइंट है देखिए इसमें से भी 1.3 इसमें से भी सॉरी 1.5 पॉइंट फाइव इंटू डी इसमें से 1.5 पॉइंट फाइव इंटू डी यानी कि 3d फिर यही ये जो डिस्टेंस uh, इधर है सिमिलरली एज इट इज इधर भी होगा मतलब इसके बाद फिर टू डी प्लस सिक्स प्लस वन पॉइंट फाइव इंटू टी ठीक है चलिए देखते हैं कैसे ड्रॉइंग करते हैं एट फर्स्ट हम तीन जो प्लेट के जो प्लेट है हमारा तीन प्लेट हम नाइन मिलीमीटर mm की बना लेंगे देखिए मैं कैसे बना लेती हूं देखिए मैंने यहाँ पे तीन का प्लेट ड्रॉ कर लिया ठीक है तीन प्लेट ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे एक मैं मिडिल पॉइंट ले लेती हूँ कोई सा भी एक मिडिल पॉइंट ले लीजिए ठीक है अब क्या करेंगे इधर 1.5 इधर 1.5 प्लस 2d डी प्लस सिक्स और प्लस 1.5 देखिए मैं इधर भी दोनों तरफ से मैं सेम डिस्टेंस ले रही हूं ठीक है देखिए स्टूडेंट्स यहां से यहां 1.5 पॉइंट फिर 2d डी यानी कि 42 फिर यहां से यहां थ्री डी कि 54 फिफ्टी फोर 5.4 फाइव पॉइंट फोर फिर टू डी प्लस सिक्स फिर फिर वन पॉइंट फाइव ऐसे करके मैंने क्या किया चार जो हमारा रिवेट है रिवेट का मैंने सारे सेंटर लाइन ड्रॉ कर लिया ठीक है अब ये जो 1.5 के लाइंस है यहाँ से यहाँ तक आपको पता है ये लाइन स्ट्रेट नहीं जाता पॉइंट टू अंदर करने के बाद इसे थोड़ा सा हम एंगल में बनाते हैं है ना चारों तरफ हम यही काम कर लेंगे देखिए मैंने ऊपर और नीचे का जो कवर प्लेट का जो दो लाइन है मैंने डार्क कर दी क्योंकि बीच में मैं रिवेट ड्रॉ करूंगी रिवेट ड्रॉ करने के बाद पूरा लाइन में ड्रॉ कर दूंगी तो रिवेट हमारा 18 मिलीमीटर mm का है तो मतलब मिडिल पॉइंट से पॉइंट नाई इधर ले लो पॉइंट नाइन इधर ले लो तो फिर हमारा 18 मिलीमीटर mm कंप्लीट हो जाएगा मैं चारों में ही यही काम कर रही हूं देखिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे सारे रिवेट का जो है रिबिट मैंने सारे ड्रॉ कर लिया रिबिट ड्रॉ करने के बाद प्लेट को मैंने डार्क कर दिया ठीक है अब मैं क्या करूंगी इसका हेड बनाऊंगी हेड बनाने के लिए आपको पता है रिबेट हेड का जो ये हाइट है ये कितना है जीरो पॉइंट सेवन इंटू डी तो जीरो पॉइंट सेवन इंटू डी के मतलब क्या है वन ट्वेल्व पॉइंट सिक्स मिलीमीटर और ये इधर से इधर जितना जाएगा ये ऐसे वाला जो पोर्शन है स्नैप वाला वो कितना है सिक्सटीन पॉइंट फाइव इंटू डी यानी कि ट्वेंटी एट पॉइंट एट तो ये आप डेली ही बनाते हो रिबेट में आपको पता हो गया होगा इतने वीडियो देखने के बाद तो देखिए मैं सेम काम कर रही हूं देखिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे सारे डिबेट आपको ड्रॉ करके दिखा दिया ठीक है इसके बाद क्या करेंगे आप, लो? आप लोग आप लोगों को पता है हम क्या करते हैं इस वाले प्लेट को अलग अलग प्लेट को हैचिंग लाइन कर देते हैं ठीक है हैचिंग लाइन के लिए आप 45 डिग्री एंगल्स में ऐसे ही हैचिंग लाइन कर देना देखिए स्टूडेंट्स हमारा ये पूरा ड्राइंग कंप्लीट हो गया जो है हमारा फ्रंट व्यू कंप्लीटेड है ठीक है अब मैं आपको सिखाऊंगी इसका डायमेंशनिंग लाइन जो अब मैं डेली करके दिखाती हूँ आपको डायमेंशनिंग लाइन कर लेते हैं ठीक है ये प्लेट कौन सा क्या है ये लिख देते हैं तो फिर हमारा ये ड्राइंग पूरा कंप्लीट है ठीक है देखिए मैं कर देती हूँ देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा प्लेट वन है ये यहां से यहां तक प्लेट वन लिख दिया मैंने ये जो जोर है यहां से यहाँ तक प्लेट टू है ये कवर प्लेट वन है और ये कवर प्लेट टू है ये यहां से यहां तक वन पॉइंट डी टू डी प्लस सिक्स थ्री डी टू डी प्लस सिक्स और वन पॉइंट डी देखिए मैंने यहाँ पे सारे लिख दिया आपको और ये जो फ्रंट व्यू है ये भी मैंने ड्रॉ कर दिया अब मैं आपको सिखाऊंगी इसका कैसे हम इसके टॉप व्यू बनाते हैं ठीक है टॉप व्यू बनाने के लिए आपको फर्स्ट क्या है आपको पता है कि फर्स्ट हम सारे लाइन से सारे पॉइंट से क्या लेते हैं प्रोजेक्शन लाइन ले लेंगे है ना देखिए मैंने सारे पॉइंट से प्रोजेक्शन लाइन ले रही हूं देखिए स्टूडेंट्स यहाँ मैंने सारे प्रोजेक्शन लाइन ले लिया ठीक है अब जो एकदम नीचे वाला जो प्लेट है ये वाला जो कवर प्लेट है ठीक है ये यहां से स्टार्ट होके यहाँ तक है तो फिर हम क्या करेंगे इसे आपको पता है इसका कोई माप नहीं है तो मैं देखिए इसे ऐसे पॉइंट कर देती हूँ हम्म यहाँ तक ले लिया ठीक है यहाँ तक मैंने ले लिया अब ये जो है हमारा जो ये वाला पॉइंट है ये यहां से यहाँ तक की है यानी कि यहां से यहाँ तक की है देखिए मैंने इस वाले कवर प्लेट को भी मार्क कर लेती हूँ थोड़ा आगे चला गया पॉइंट तक की देखिए मैंने ले लिया ठीक है फिर यहाँ भी कट यहाँ भी देखिए कट कट है तो फिर इस वाले लाइन को भी मैं कट में ही शो करा रही हूँ कट में शो कराने के बाद मैं यहाँ तक ले लेती हूँ ठीक है फिर हमारा जो ये पॉइंट है ये यहाँ से यहाँ तक है यानी कि इसे मैं थोड़ा सा इधर से छोटा करके ले रही हूँ ये कहाँ तक है बिल्कुल ही बाहर तक है ना ये देखिए मैंने बाहर तक लिया फिर इस वाले लाइन से कट आउट दिखाने के बाद यहाँ तक की है देखिए मैंने पूरा ले लिया यानी कि हमारा एक दो तीन तीन प्लेट मैंने पूरा पूरा ले लिया है है ना अब फिर क्या है इसका जो एकदम ऊपर वाला जो पॉइंट है यानी कि एकदम ऊपर वाला जो प्लेट है कवर प्लेट इसके ऊपर जो है वो कहाँ से कहाँ तक है वो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक ही है।, है ना तो फिर यहाँ से यहाँ तक ठीक है तो यहाँ से यहाँ तक आप क्या करोगे एक टोटल लाइन ले लोगे यहां से यहां तक ठीक है यहाँ भी मैंने ले लिया देखिए ठीक है अब इस लाइन को मैं क्या कर दूंगी इसे कर दूंगी मैं डार्क देखिए स्टूडेंट्स ये यहां से स्टार्ट करके जो एकदम बड़ा वाला प्लेट है ये एकदम नीचे वाला प्लेट है ये वाला प्लेट देखिए यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक गया ये देखिए नीचे यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक गया ठीक है ये बीच का जो लाइन है आपको पता है ये नीचे है हमें दिखेगा नहीं इसलिए हम इसे डॉटेड लाइन में शो करा देंगे है ना एक प्लेट से दूसरे प्लेट की जो डिस्टेंस है देखिए ये डॉटेड लाइन में शो हो गया ठीक है फिर एक प्लेट हमारा ये गया है और बीच का जो प्लेट है वो है हमारा ये ठीक है अब इस वाले लाइन पे हम क्या करेंगे ये सारे हमारा रिवेट का सेंटर पॉइंट है इस पे हम क्या करेंगे यहाँ से यहाँ तक माप लेके सारे रिवेट बनाते जाएंगे ठीक है आपके ऊपर डिपेंड करता है आप एक रो में तीन रिवेट रखेंगे या चार दो रिवेट रखेंगे ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है ठीक है अब मैं आपको रिवेट ड्रॉ कर रही हूँ आपके देखिए स्टूडेंट्स ये हमने ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये लेके हमने साड़े में देखिए बना दिया रिवेट का हेड बना दिया अब रिवेट की यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लेने के बाद मैं आपका रिवेट अंदर का जो गोला है ये यहाँ से यहाँ तक देखिए मैंने डिस्टेंस ले लिया और लेके यहाँ लगा के आप अंदर का जो आ, है हमारा रिवेट का जो साइज है उसे हम डॉट लाइन में आप ड्रॉ कर देते हैं देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा सारा डायमेंशन कंप्लीट मतलब हमारा जो रिवेट है रिवेट सारा कंप्लीट हो गया अब मैं क्या करूंगी डायमेंशन दे देती हूँ आप लोगों को पता है एक रिवेट से दूसरे रिबेट के जो सेंटर का जो डिस्टेंस है वो हमारा हो जाता है पी इज टू क्या थ्री इन टू डी ठीक है तो ये आप कर देना और सारे रिवेट की जो ये है बीच में सेंटर लाइन जरूर ले लेना क्योंकि बिना सेंटर लाइन के ड्राइंग कंप्लीट नहीं होता देखिए पूरा ड्राइंग कंप्लीट करने के बाद P इज इक्वल टू थ्री इन डी और सारे में ये एक ही माप है तो एक दो जगह पे लिख दो तो फिर पूरे में हो जाएगा और फिर जब एकदम एक सेक्शनल एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं क्योंकि यहां से काट के हम देख रहे हैं ठीक है इसलिए हम यहाँ पे देखिए सेक्शनल लाइन ड्रॉ किया X X डेक्स नेक्स्ट ऑल डायमेंशन आर इन एम एम लिखना कभी भूलना मत ठीक है Thanks for watching my video. Please like, share, and subscribe. Thank you.